बंदा बन, रब न बन। इसलिए कुरान की बड़ी खूबसूरत आयत है, सूरह अल इसरा की, अल्लाह कहते हैं वला तमशी फिल अर्द मरह, ये जमीन पे शोखी मार के ना चल। ओ मेरे नौजवान भाइयों, अल्लाह की कसम आपसे मोहब्बत है, खुदा का वास्ता है, जब से टिकटॉक आई है ना, जब से स्लो मोशन वीडियो वाली आई है चीज़ें, हर बंदा अपने आप को यूँ समझता है। कार को मुंह नहीं लाऊंगा, लेकिन वीडियो में जब स्लो मोशन हो के 15-20 लाइक्स आते हैं, 2-4 दिल वाले साइन आते हैं, वो अपने आप को शाहरुख खान समझने लग जाता है, वो अपने आप को सलमान खान समझता है, वो अपने आप को बड़ी बड़ी तोप समझता है। शोखी मार के चलता है, मुझको ऐसे करके चलता है। अल्लाह कह रहा वाला तमशी फिल अर्द मरहा, शोखी मार के जमीन पे ना चल। आगे देखें, इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला, ये जो तो जोर जोर से पैर मार रहा है, क्या जमीन फाड़ देगा? औकात है तेरी? और ये जो तो गर्दन उठा के चल रहा है, क्या पहाड़ों से लंबा हो जाएगा? बंदा बन, रब न बन, बंदा बन। और एक डेंगी मच्छर नजर नहीं आता, तुझे तेरी औकात याद करवा देता। थोड़ी सी सर्दी ज्यादा हो जाए तो मरने वाला हो जाता है, थोड़ी सी गर्मी ज्यादा हो जाए तो मरने वाला हो जाता है। और तू मेरे से टक्कर लेता है, रब से टक्कर लेता है, अला कुल्ली शैइन कदीर से टक्कर लेता है। भाई फरिश्ते, अगर किसी के जहन में नाउज बिल्ला थोड़ा सा भी तकबूर आना चाहिए ना, अकलीय वाले की बात कर रहा हूं, वो फरिश्ते जर्रा गुना नहीं, हर टाइम हर टाइम अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत कर रहे हैं। और रसूलुल्लाह की हदीस देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मैं देखता हूं मेरे सहाबा वो तुम नहीं देखते, आसमान में से करकने की आवाजें आती हैं, चिरचिर की आवाजें, जैसे टेबल पे जोर रहा है ना तो आवाज आती है, आसमानों में से आवाजें आती हैं। और क्यों ना आए, कोई चप्पा नहीं है जहां पे फरिश्ता अल्लाह ताला की इबादत नहीं कर रहा, कोई चप्पा नहीं है, फरिश्ता अल्लाह की इबादत कर रहा है। और कौन फरिश्ता भाई? एक की बात कर रहा हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील को मैंने अपनी असली हालत में देखा, सारे उफक पे मुझे जिब्रील नजर आया, सारे उफक पे, सारे आसमान पे मुझे जिब्रील के अलावा कुछ नजर। भाई सूरज हमसे करोड़ गुना बड़ा है, सुनिएगा जरा बड़े ध्यान से सुनिए, सूरज करोड़ों गुना बड़ा है लेकिन दूर इतना है कि छोटा नजर आ रहा है, आप समझ रहे? यानी कि कोई चीज कितनी बड़ी है लेकिन जैसे दूर होती जा रही है छोटी होगी ना, इतनी दूर है कि इतनी सी नजर आ रही है। अब सोचो जिब्रील कितने बड़े हैं जो पूरे आसमान पर नजर आ रहे, अंदाजा लगाओ आप। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शबे में अराज मैंने फरिश्ते को देखा, उसके कंधे से लेके कान तक का फासला 500 साल की मुसाफत है, कंधे से लेके कान तक एक फरिश्ता, और 70,000 फरिश्ते काबा के बिल्कुल ऊपर आसमानों पे बैतुल मामूर है, बिल्कुल फरिश्तों का काबा है, और 70,000 रोजाना उस काबे का तवाफ करते हैं। आपने फरमाया जो एक बार कर ले कयामत तक उसकी बारी आती, अंदाजा लगाओ तादाद का। अब सुनो, ये फरिश्ते कयामत का दिन होगा, हौलनाक की इस लेवल की होगी, हालांकि इनका कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन कयामत की और जहन्नुम की हौलनाकियां देख के घुटनों के बल गिर के रब को कहेंगे या अल्लाह हमें माफ कर दे, हमने तेरी इबादत का हक अदा नहीं किया, और तू दो सजदे करके समझता है मैंने बड़ा बड़ा तीर मार दिया। दादा लगाए तकब्बुर का जर्रा भी अगर किसी में आता है, वो फरिश्ते थे भाई, और वो इस लेवल की इबादतें करें, क्या कह रहे हैं या अल्लाह हक, क्योंकि वो रब जानते हैं रब कौन है, उसकी मार्फत रखते हैं, इसलिए वो झुक जाते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा से आगे क्या कहने लगे रसूलुल्लाह को, इससे आगे मेरी औकात, इससे आगे मेरी औकात नहीं, आप जा सकते हैं, आज से पहले ना यहां से आगे कोई गया है और ना आज के बाद कोई जा सकता है। जिब्रील पूरे उफ्क पे जिसकी इतनी बड़ी दहशत हो, लेकिन वो उससे आगे जा सकता क्योंकि वो रब जानता है रब कौन है। अल्लाहु अकबर।